हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज है 31 दिसंबर, न्यू ईयर आने वाला है, तो हम भी एक नए संभाग के साथ आ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिलासपुर संभाग के बारे में। दिस अबाउट मी केशव एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक एंड जीमेल। तो बिलासपुर संभाग बहुत काफ़ी पुराना संभाग, और इसमें है टोटल 5 जिले, जिसमें पहला जिला है बिलासपुर, जिसका गठन 1861 में हुआ था। जब सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ, तब रायपुर एवं बिलासपुर को जिला बनाया गया था। उसके बाद रायगढ़ बना 1948 में, जांजगीर चांपा बना 1998 में, कोरबा बना 1998 में, और मुंगेली जब 2012 में नए नए जिलों का निर्माण किया गया, तब मुंगेली को जिला बनाया गया। तो दोस्तों, लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। लोकसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में 11 हैं, जिसमें से 4 बिलासपुर संभाग में हैं। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय भी है, मेडिकल कॉलेज है और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है। धरातली स्वरूप की बात कर लेते हैं। पहले हम थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं, फिर उसको हम मैप में देखेंगे कि कहाँ पे उसका लोकेशन है। धरातली स्वरूप में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं, जो कि कोरबा के पूर्वी भागों पे पाई जाती है। कोरबा सरगुजा रायगढ़ एरिया में आता है। मैकॉल श्रेणी, जो कि छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर और मुंगेली जिला है। पेंड्रा लोरमी का पठार, जो कि मुंगेली एवं बिलासपुर जिले में आता है। नदियों में क्या है, नदियों में महानदी है, महानदी सोन नदी, हसदो नदी, हसदो नदी पे हसदो बांगो परियोजना बनाया गया है, जो कि कोरबा में 120 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है, मिनी माता परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। और लीलागढ़ नदी है, मांड परियोजना है, मांड नदी से निकलती है जो कि रायगढ़ में बहती है। और मनियारी नदी पे खुड़िया बांध बनाया गया है। अरपा नदी पे अरपा भैंसाजार परियोजना है, केलो पे केलो परियोजना है, खारंग नदी पे खूटाघाट परियोजना है। तो इसका हम लोग लोकेशन देख लेते हैं मैप में। लोकेशन देखने के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम लोग की शिवनाथ नदी, जो कि आगे इधर रायपुर तरफ से आती है, सिमगा के पास से होते हुए, और ये आगे जाती है जांजगीर चांपा सिवरी नारायण चंद्रपुर से होते हुए, ये महानदी में हीराकुंड बांध की ओर चल जाती है। दूसरी नदी है हसदो नदी, जो कि कोरिया जिले से आती हुई इधर से आती है और यहाँ पे सिवरी नारायण पे जाके मिल जाती है। एक जोग नदी भी है, जो महासमुंद से आती है और यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ पे 3 नदियों का एक संगम है। दूसरी 3 नदियों का संगम चंद्रपुर में है, जो कि डबरा चंद्रपुर वाला डबरा तहसील में है, जांजगीर चांपा में। तो यहाँ से मेन पार्ट से मांड नदी निकलती है, जो कि इस रूट से आती है और चंद्रपुर में मिल जाती है। इधर से एक लाट नदी आती है, जो यहाँ मिल जाती है। केलो नदी लुढ़ैक की पहाड़ी से निकलती है और रायगढ़ में ही बहती हुई निकल जाती है। रायगढ़ में इस पर केलो परियोजना भी बनाया गया। रायगढ़ शहर जो है वो केलो नदी किनारे बसा हुआ है। उसी तरह बिलासपुर शहर किस नदी किनारे बसा है, बिलासपुर शहर अरपा नदी किनारे बसा है। ये वह है इसका बिलासपुर का एरिया। मनियारी नदी, जो कि लोरमी के पठार से निकलती है और ताला गाँव में महानदी में मिल जाती है। ताला गाँव का एरिया यहाँ पे, जो कि प्रसिद्ध है देवरानी एवं जेठानी के मंदिर के लिए। इसी तरह और कौन कौन सी नदी है, एक नदी है सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, जो कि पेंड्रा पठार से होती हुई मध्य प्रदेश में चल जाती है इस रूट से। तो ये तो हुआ बात नदियों के बारे में। अब हम लोग पहाड़ पठारों के बारे में देख लेते हैं। पहाड़ पठारों में ये एरिया है, जो कि छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ है। ये पार्ट जो है, ये छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ है। और मैकॉल श्रेणी का भाग ये वाला एरिया आता है। ये जो है मैकॉल श्रेणी है, ये आगे कवर्धा में भी है, बट आज हम लोग बिलासपुर संभाग कवर करेंगे। और पेंड्रा लोरमी का पठार ये है, ये वाला जो एरिया है पेंड्रा लोरमी का पठार है। तो इस तरह हम लोग ने पूरा एरिया कवर कर लिया है। और केलो परियोजना, जो हसदो बांधो परियोजना, जो कि मिनी माता परियोजना है, केलो परियोजना जिसे जुदेव परियोजना भी कहते हैं। और आगे हम लोग कुछ कुछ इसका नाम भी चेंज हुआ है। केलो परियोजना दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है, खुड़िया परियोजना जिसको मनियारी परियोजना या राजीव गांधी परियोजना भी कहते हैं, खूटाघाट परियोजना जिसे संजय गांधी परियोजना भी कहते हैं। तो ये आप याद रखिए, हसदो बांगो परियोजना मिनी माता परियोजना है। तो आगे उद्यान अभयारण्य में अचानक पर बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मुंगेली जिले में पड़ता है, इसको 2005 में देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। 2006 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व में भी शामिल किया गया। गोमर्धा अभयारण्य, जो कि रायगढ़ में पड़ता है, रायगढ़ में आता है, और मरवाही, जहाँ पे सफेद भालू की संभावनाएं जताई जा रही है। तो ये हम लोग देखेंगे अभी। तो अचानक मार अभयारण्य है मुंगेली जिले में, चरंगमल बायोस्फीयर रिजर्व गोमर्धा अभयारण्य रायगढ़ जिले में इस लोकेशन पे पड़ता है, और मरवाही ये एरिया है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है खनिज एवं उद्योग। खनिज एवं उद्योग में हम लोग खनिज बेसिकली कोयला कोरबा और रायगढ़ में पाया जाता है, और डोलोमाइट चूना पत्थर जांजगीर चांपा में पाया जाता है। अब उद्योग, उद्योगों को आप खनिज से रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। एनटीपीसी कोरबा जिसका रॉ मटेरियल कोयला है, कोयला से बिजली उत्पन्न की जाती है, कोरबा और बिलासपुर में है, लारा में जो कि रायगढ़ जिले में है वहाँ भी एनटीपीसी निर्माणाधीन है, 4000 मेगावाट का वहाँ बनाया जा रहा है। जिंदल स्टील जो कि रायगढ़ में है, बालको जो कि एल्यूमिनियम की कंपनी है उसका बॉक्साइट जसपुर से मिलता है, 1965 में कोरबा में बनाया गया था। CSPGCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी कोरबा में है। SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कोल इंडिया के अधीन है जो बिलासपुर में ही है। सीमेंट प्लांट जो कि अकलतरा में है। औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी जो कि बिलासपुर में है, और इसके अंतर्गत तिफरा सिलपहरी दगोरी ये सब औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। तिफरा पे उर्वरक उद्योग भी बनाया गया है। वृहत औद्योगिक क्षेत्र में लारा रायगढ़ जिस पर NTPC का निर्माण किया जा रहा है, ये NTPC जो कि 4000 मेगावाट का है। अभी जो NTPC है 2600 मेगावाट का, एक 2980 मेगावाट का है। इसको 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। इसको लोकेट कर लेते हैं तो खनिज वाला एरिया कौन सा है, खनिज वाला एरिया है, कोयला वाला एरिया ये एरिया है जो कि निचली गोंडवाना सेल समूह में आता है। आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा सेल समूह के लिए। और दूसरा जो भाग मैं बात कर रहा था जो कि डोलोमाइट वाला एरिया है, तो ये एरिया है डोलोमाइट वाला एरिया, डोलोमाइट चूना पत्थर का एरिया है। अब हम लोग कुछ प्लांट लोकेट कर लेते हैं। आपको पता ही है ये NTPC यहाँ पे है, एक बिलासपुर में है और एक लारा में निर्माणाधीन है। बालको यहाँ पे है, रायगढ़ में जिंदल स्टील प्लांट है, ठीक है। औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी बिलासपुर में है, तिफरा औद्योगिक क्षेत्र वहीं है। तो ये हुआ खनिज और उद्योगों की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्यटन की। पर्यटन में क्या क्या है, पर्यटन में रामायणकालीन देखा जाए तो शिवरी नारायण है और खरौद है जो कि रामायणकालीन है। और शिवरी नारायण जहाँ पे तीन नदियों का संगम है, महानदी, जोक नदी और हसदो नदी। मल्हार जो कि बिलासपुर के पास ही है, पुरातात्विक स्थल है मल्हार। और ताला गांव जिस पर देवरानी जेठानी का मंदिर बनाया गया है, ये ताला गांव है। ताला गांव के बारे में आपको डिटेल में मैं बताऊं तो यहाँ पे बहुत पुराना है, सरबपुरी शासक के राजप्रसाद की दो रानियों ने ये मंदिर बनवाया था, रानियों ने मंदिर बनाया था। और ये पुरातत्ववेत्ता इसके काल का निर्धारण 5वीं 6वीं शताब्दी का करते हैं। 5वीं 6वीं शताब्दी में ये नदी बनी थी। रतनपुर महामाया मंदिर जो कि कलचुरी राजवंश की राजधानी रही है, और यहाँ पे महामाया मंदिर है। मटकू द्वीप जो कि ईसाइयों का पवित्र स्थल है, मुंगेली जिला में है। पाली जो कि कोरबा में है, बाणवंशी विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया शिव मंदिर जिसका जीर्णोद्धार बाद में जाजल देव ने कराया था, जाजल देव प्रथम जिसने जांजगीर चांपा का निर्माण कराया। सिंगनपुर जो कि प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले शैलाश्रयों की खोज हुई थी, कबरा पहाड़ खैरपुर ये सब रायगढ़ जिले में है, रायगढ़। रिमेम्बर तो केंदई जलप्रपात एकमात्र जलप्रपात इस संभाग का कोरबा में है, तो इसको आप हम लोग लोकेट कर सकते हैं मैप में बेहतर तरीके से। तो लोकेट करने के लिए हम लोग देखते हैं, एक सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो इस लोकेशन पे मनियारी और महानदी का संगम है जो कि ताला गांव आता है। ताला गांव अगर इसको लिखें तो ताला गांव आप लिख सकते हैं। इस लोकेशन पे शिवरी नारायण आता है, इस लोकेशन पे चंद्रपुर आता है, ठीक है, डबरा चंद्रपुर तहसील है। और हम लोग पर्यटन स्थल में देखें तो यहाँ पे मल्हार आता है, मल्हार जो कि बिलासपुर से मस्तूरी से 27 किलोमीटर कुछ पड़ता है दोस्त। तो संगनपुर की उस यहाँ पे आता है, और ये जांजगीर चांपा जिसको जादल देव ने बताया था, रतनपुर इस एरिया में आता है, और पाली जहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण करवाया था विक्रमादित्य, बाणवंशी विक्रमादित्य ने वहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वर्ड ऑफ द डे है ब्रूटल, जिसका मतलब एक्सट्रीमली क्रूएल। तो सोल्जर समटाइम फेस ब्रूटल पनिशमेंट, मतलब सोल्जर कभी कभी बहुत ही बुरा पनिशमेंट सहन करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ई ज्ञान। तो बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।